ये वायरस एक प्रकार का मैसेज लाया है कि देखो मानव तुम कितने भी बड़े हो किसी भी पोजीशन पे हो कुछ भी हो मैं छोटा सा वायरस तुमको अभी लगा नहीं हूं मेरा इतना काफी है कि तुम घबरा गए हो वर्तमान समय भी भगवान घबरा भग, भगवा गए हो और भविष्य के लिए भी तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या होगा क्या करूंगा जी। तो ये शिक्षा देता है कि हम अभिमान को छोड़े तो उससे क्या होगा जीवन में दुनिया में समरसता hmm. hmm. जिंदगी में कुछ रौनक आ जाएगी hmm. जिसके लिए मानव जीवन कहा गया आज तो सब लोग कह रहे हैं yeah. या गाड़ी को चला रहे हैं या चिल्ला रहे, रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या चला रहे हैं थोड़ा थोड़ा कहीं थोड़ा बहुत मोमेंट्री सुख आता है बाकी तो दुख ही दुख है आ, और कोई भी कैसा मान ने भी तो डिस्टेंसिंग किया हुआ ही था और चिंता और भय ये दो चीजों से तो सारी मानवता पीड़ित है अब कोई व्यक्ति राजा भी हो लेकिन फिक्रमंद राजा हो तो कहे का राजा हुआ तो हम चिंता और भय की जीवन जी रहे हैं और स्ट्रेस हमारा डेली बढ़ता जा रहा है जीवन तो कुछ रहा ही नहीं तो ये वायरस हमें ये सिखाता है जी दया धर्म का मूल है हाँ, और तो पाप, पाप मूल, मूल, मूल अभिमान तो तुम अभिमान करोगे अभिमान से हाँ, तो पाप का घड़ा हाँ, बड़ा, है। तो, तो, तो अभिमान से न्याय को काट देता है दुराचार अत्याचार भ्रष्टाचार ये सब कुछ होता है इस कारण से आप देखेंगे कि ये अभिमान हमको तोड़ना चाहिए और ये पक्का सिखा रहा है कि आगे तुम समेते हो हमने भगवान को जेब में डाला हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है ऊपर की कोई शक्ति है mm. तो आज मानवता के अंदर विरहद तौर पे ये विराग वृत्ति आई mm. कि जिन साधनों के आधार पर हम समझते थे कि हम सक्षम है साधन तो अनेक प्रकार के हैं हमने विज्ञान का साधन सबसे बड़ा साधन जिसको हम गिनते हैं जो हमारे सब दुखों को दूर करता रहा है वो भी लिया है आज विज्ञान भी ऐसा कोई वैक्सीन नहीं निकाल पा रहा है हमने सत्ता का साधन सार्थिक सहयोग हर प्रकार का सशक्तिकरण किया है लेकिन भगवान कहता है कि वास्तविक ऐसी परिस्थितियों को भी पार करने के लिए हमको चाहिए, हमको चाहिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट और प्रकार की एम्पावरमेंट अब काम नहीं आएगी मान लो व्यक्ति भयभीत है सचमुच भयभीत ना केवल इस वायरस से भयभीत हैं लेकिन इसके जो परिणाम निकल रहे हैं जिससे उनको अपना भविष्य नहीं दिखता अपना व्यवसाय नहीं दिखता आगे फ्यूचर नहीं दिखता हर चीज ठप हो गई है और अभी तो हमने 21 दिन के लिए ठप की है 21 दिन ठप रहेगी उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो वरीड है ना इस वरी को भी कैसे दूर किया जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि वरी को कैसे दूर एक होती है घटना और एक होती है उस घटना की चिंता जब किसी को कुछ नजर ना आए ओर अंधकार ही अंधकार हो और वो भटकता फिरे ग्रोपिंग इन जाता है ये स्थिति है और दूसरा घर बैठ के भी लोग वही समाचार सुनते रहेंगे तो और भी नेगेटिव और, क्यों, क्योंकि उनको भय है तो भय से इसी बात के लिए और समाचार सुनाने वाले भी उसको और मिर्च मसाला लगा के लंबा चौड़ा करके उस भय को और बढ़ा रहे हैं तो कहने का भाव है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट क्योंकि अगर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होती है उसको किसी ने आप तक रिकमेंड भी नहीं किया प्रयोग भी नहीं किया नहीं। शायद वो जानते भी नहीं वो अन्य प्रकार के एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये आत्मा को मनोबल देती है अब ये कोरोना वायरस आ गया अब कोई व्यक्ति भी किसी महिला के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करने से पहले सोचे सोचेगा सोचेगा कि वो कहेगा कि कह, 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 भाई इसमें कोरोना वायरस ना हो तो कोरोना वायरस ने एक प्रकार से जो करना चाहिए था मानवता को में आ गया तो उसको ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया नहीं। इसको कहते हैं भगवान ने चीर बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया कि नहीं भगवान ने चीर तो भगवान कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते जो सीधी तरह नहीं सुधरते उसको मैं सुधारूंगा जी। एक मालथस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी है hmm. उसने कहा था अगर आप पॉपुलेशन को घटाएंगे नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं ही आपकी पॉपुलेशन को घटा देंगे ये बात सिर्फ पॉपुलेशन पर लागू नहीं होती ये सारे समाज की हर स्थिति पर लागू होती hmm. है इस प्रकार से अब कोरोना वायरस ने मनुष्यों को धक्का देकर झटका देकर hmm. ये सिखाया है hmm. कि देखो किसी भी प्रकार के अभिमान में नहीं रहो तुम्हारा अभिमान एक छोटा सा वायरस तोड़ सकता है इसलिए अभी भी समझ जाओ इससे लेसन लो ये वायरस की किस लिए आया है हम देखेंगे ये बुराई को खत्म करने के लिए आया ये और किसी चीज को खत्म नहीं कर सकता इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी इससे मानवता खत्म नहीं हो जाएगी इससे केवल बुराई खत्म होगी है ना यूं भी कहते हैं ना हेट द सिन नॉट द सिनर तो ये बुराई को दूर क्योंकि देखा जाए जो अच्छा व्यक्ति होता है इसका नाम ये जैसे करोना अब करोना के दो अर्थ निकलते हैं क्या बुरा करो ना अच्छा करो ना यानी अच्छा करो बुरा ना करो तो इसका okay. बेसिक लेसन ये है कोई भी बीमारी ये तो बहुत बड़े रूप से आई है कोई भी आपदा कोई भी व्याधि जो आती है वो यही कहती है तुम्हारा रास्ता गलत है आप बड़ी व्याधि बता रही है कि तुम्हारा रास्ता बहुत गलत है इसलिए भगवान कहता है इससे ये भी लेसन मिलता है कि हम ये तो आया है चला जाएगा अपनी कीमत लेकर जाएगा चला जाएगा लेकिन हमें ये जो शिक्षा दे रहा है उसको जरूर अगर हम एक बनेंगे नेक बनेंगे अच्छे बनेंगे तो ये आएगा ही नहीं और अभी भी ये हमारी जो गलत चीजें हैं हमारा जो अभिमान है हमारा जो बुरी दृष्टि है हमारा जो भ्रष्टाचार है हमारा जो पशु पक्षियों के प्रति भी व्यवहार है yeah. हर चीज़ को ये बदलेगा पुरुषों के दृष्टिकोण को बदलेगा एक दूसरे से दुश्मनी एक दूसरे को एटम बम न्यूक्लियर वेपन तक और यहाँ तक कहते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन तक बना करके ये चीज़ों को सत्यानाश करने का उससे संभलने का कुदरत ने हमको एक मौका दिया मौका दिया तो इसलिए हमको इससे ये सबक सीखना चाहिए